करण कुंद्रा को लेकर एकता कपूर ने आखिरकार कुछ बड़े फैसले क्यों लिए हैं? आखिरकार करण कुंद्रा को यूज करके किस तरह से एकता कपूर अपने शो की टीआरपी बढ़वाना चाहती है? वेल, क्या कुछ अहम फैसला लिया है करण कुंद्रा को लेकर, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि करण कुंद्रा के जिस तरह से शो में हमने देखा है कि जेलर बनकर जब करण कुंद्रा कल आए थे तो इसके बाद ही उस वक्त का वॉच टाइम हो, टीआरपी हो, सभी चीज़ें लेवल अप हो गई थी। लेकिन इसके बाद से ही सभी चीज़ें नॉर्मल लगने लगी, जिसके बाद कि एकता कपूर ने करण कुंद्रा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, करण कुंद्रा को लेकर बस बनाने के लिए एकता कपूर ने अब फैंस के बीच ये ऐलान कर दिया है कि सिर्फ इस हफ्ते नहीं बल्कि हर हफ्ते करण कुंद्रा जेलर के रूप में आएंगे। हालांकि अब तक एकता कपूर ने ये रिवील नहीं किया है कि आखिरकार वो कौन से हफ्ते और फिर हफ्ते के कौन से दिन जेलर बनकर करण कुंद्रा आएंगे, क्योंकि सस्पेंस बना रहे, जिसके बाद कि इस सस्पेंस के लिए और करण कुंद्रा को देखने के लिए उनके फैंस लगातार लॉकअप शो को देखे और इंतजार करें कि आखिरकार करण कुंद्रा जेलर बनकर कब लेते हैं लॉकअप शो में एंट्री। वेल, करण कुंद्रा को लेकर ये बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान की है एकता कपूर ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन से अगले हफ्ते के कौन से दिन करण कुंद्रा हमें जेलर बनकर एकता कपूर के शो लॉकअप में सामने आते हैं। वेल, और आखिरकार कब तक इस चीज़ का फायदा मिलता है एकता कपूर को, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।